मित्रों नमस्कार, बागवानी 2020 चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो मेरा ग्राफ्टिंग से लेकर होने वाला है कि आप कैसे एडेनियम में ग्राफ्टिंग करके नए पौधे बना सकते हैं। ये मेरे पास एक पौधा है जिसकी आईडी मैंने यहाँ मेंशन करी है, TCR 708 है ये पौधा। और इस पौधे को मैंने लगभग इसी साल लगभग फरवरी मार्च में इससे कुछ ग्राफ्टिंग करी थी कुछ पौधों की। इसके मैंने इस तने को थोड़ा काट कर यहाँ से ग्राफ्टिंग की थी, उसका वीडियो मैंने डाला था कि ग्राफ्टिंग आप कैसे करें। तो उस ग्राफ्टिंग से मैंने कुछ पौधे तैयार किए, तो मैं आज आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। इस समय देखिए, ये पौधा जो है बहुत अच्छे से फ्लॉरिंग कर रहा है और ये सिंगल पेटल है और ये बहुत ही अच्छा पौधा है, इसमें बहुत अच्छी फ्लॉरिंग होती है, इसलिए मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की। हालांकि और भी अन्य कलर्स की ग्राफ्टिंग की थी, उसमें से मेरी कुछ ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई हैं। और ये जैसे कि आपको मेरे पास रखी हुई हैं ये दो पौधे, ये दोनों यही ब्रांड के। मैं यहाँ पर आईडी मेंशन कर देता हूँ सभी में। तो मैंने ये ग्राफ्टिंग करी थी। एक पौधा देखिए, ये बहुत अच्छे से फ्लॉरिंग कर रहा है अभी भी और कलियाँ भी बहुत सी आई हुई हैं। दूसरे में ये फ्लॉरिंग कर चुका, उसके बाद मुझे एक सीड पॉट भी इससे मिल चुका है। जो सीड पॉट थोड़ा रेयर होता है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको सीड प्राप्त हो जाते हैं, उनसे आप सीड से भी नया पौधा बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग सबसे इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि ग्राफ्टिंग में आपको थोड़े दिन बाद ही फ्लोरिंग मिल जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है 2-3 महीने बाद ही आपको फ्लोरिंग मिल जाती है। अगर आप फरवरी मार्च अप्रैल में करते हैं ग्राफ्टिंग तो आपको जल्दी फ्लोरिंग मिलती है। लेकिन जहाँ तक हो सके थोड़ा ठंडे मौसम में ही इसकी ग्राफ्टिंग करें तो सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं। मैंने भी लगभग 3 से 4 पौधों पर ग्राफ्टिंग करी थी और उसमें से मुझे ये दो पौधे मेरे सक्सेस हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टिंग का एरिया, ये इस जगह पर मैंने ये ग्राफ्टिंग की थी और वहाँ से ये सफल हुआ, इसमें 2 ब्रांच बन गई, तो अच्छी फ्लोरिंग इसमें भी हो रही है। यहाँ भी मैंने ग्राफ्टिंग करी थी लेकिन इससे केवल 1 ब्रांच मुझे मिली है। हालांकि इसको हम यहाँ से अगर कट कर देंगे नेक्स्ट टाइम तो ऊपर के पोर्शन को हम ग्राफ्टिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ अगर हम जहाँ कट करेंगे ना, वहाँ से इसमें 2 से 3 ब्रांचें मुझे प्राप्त हो जाती हैं। तो पहले केवल आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाए, उसके बाद आप आराम से इनको नए पौधे बना सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास और भी तरीके होते हैं किसी एक पौधे के कलर को अलग बनाने का। तो इसमें पहली तो ग्राफ्टिंग होगी, दूसरा ये जैसे इस स्टेम को हम यहाँ से अगर कट करते हैं तो इसमें 2-3 आएंगी, तो ये पौधा भी भूसी होगा। और इस स्टेम का हम यूज ग्राफ्टिंग में कर सकते हैं और बची हुई स्टेम को हम डायरेक्ट सॉइल में लगा सकते हैं, वो भी बड़ा इजीली तैयार हो जाती है। तो जो एडेनियम है वो बहुत ही अच्छा मुझे प्लांट इसीलिए लगता है और बहुत ही सुंदर है। पहली बात, ये बहुत हार्डी प्लांट है। आप इसमें अगर 5-10 दिन पानी नहीं भी दे सकते हैं, कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ये सर्वाइव करता है। और एक बार अगर मान लो पानी नहीं दिया तो इसका स्टेम में इतना स्टोर रहता है पानी, वो करता रहता है। बाद में ये थोड़ा नाजुक हो जाता है, थोड़ा मुलायम हो जाता है, तो आप जैसे ही इसमें दोबारा पानी देंगे ये फिर से अपना तैयार हो जाएगा। तो इसे कम पानी की ज़रूरत होती, बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं मेरे पास एडेनियम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मैंने इस समय इनको एकदम इकट्ठा करके लगाया हुआ है, क्योंकि मैं एक ग्रीन हाउस बनाऊंगा जिसमें इन पौधों को अपना रखूंगा, क्योंकि इन्हें सर्दियों से बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा पौधे ख़राब होते हैं। मैं पिछली बार देख चुका हूँ, मेरे बहुत से अच्छे अच्छे प्लांट रहे एवकम के, प्लस बहुत से अच्छे कलर भी मेरे जा चुके हैं। तो मैंने इस बार पहले से ही अपनी व्यवस्था करके रखी है कि मैं पौधों को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा, फिर भी पौधे ख़राब हो ही जाते हैं। अब मैंने अभी से नवंबर से ही इनमें पानी देना बहुत कम कर दिया है। मैं बहुत कम पानी देता हूं और लगभग 7-8 दिन बाद ही पानी दोबारा देता हूं, वो भी मैं चेक कर लेता हूं, थोड़ा ही पानी देता हूं। तो आप इस तरीके से एडेनियम को अपने गार्डन में ज़रूर रखें और आप ईजिली इनको 2 से 4, 4 से 8 कर सकते हैं। मैंने भी एडेनियम, कुछ ही एडेनियम मैंने दुकान से ख़रीदे थे, 1 या 2, उसके बाद मैंने सब ये ऑनलाइन परचेज करे हैं, अलग अलग लिंक से, फेसबुक से, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से भी। हालांकि कुछ बार मेरे मतलब गलत भी पौधे हमें फंसे हैं, तो लेकिन वो धीरे धीरे सीख के आ गया है। फिर 1-2 बहुत अच्छे लोग मिले जिनसे मैंने फ्लोरिंग ये प्लांट ख़रीदे हैं, जैसे अनबू
फ्लोरा करके हैं, उनसे खरीदे, बहुत अच्छे से। अभी तक का सबसे बेस्ट जो है अनवू फ्लोरा करके एक फेसबुक ग्रुप था, उससे मैंने खरीदे अनवू सर से, तो वो सबसे बेस्ट निकले। और भी एक दो जगह निकले मैंने, हालांकि उनके वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं, इस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्लांट, हालांकि उसमें से कुछ पिछली सर्दियों में ख़राब हो गए। उन्हीं में से एक ये है जो अनवू सर से मैंने ख़रीदा था, 10 प्लांट का एक सेट ख़रीदा था, उसी में ये सिंगल पेटल था, और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत प्यारा, सिंगल पेटल है, बहुत ज़्यादा इसमें आपके फूल भी आते हैं। अभी आप देख सकते हैं, अब सीज़न बिल्कुल जाने वाला है और इसमें बहुत अच्छी फ्लोरिंग हुई है, यह सीज़न में 4 से 5 बार फ्लोरिंग अच्छे से करता है, बाकी फ्लावर 1-2 तो आते ही रहते हैं। तो मैंने इसकी ग्राफ्टिंग से सबसे पहले प्रयास किया था और वो मेरी सक्सेस भी हुई, और आप देख सकते हैं 2 प्लांट मेरे तैयार हो चुके हैं, और ये स्टेम भी इसकी बहुत अच्छी है, और ये डबल है, उसके अलावा ये भी है, इसमें तो एक मुझे एक सीड पॉट भी मिल गया है, तो इससे भी मैं कुछ पौधे तैयार करूँगा। तो इस तरीके से मेरे गार्डन में इस समय तो बहुत अच्छे से फ्लोरिंग भी हो रही है और सब कुछ, तो मैंने सोचा है एक वीडियो आपसे शेयर करा जाए कि ग्राफ्टिंग से भी आप पौधे अपने बढ़ा सकते हैं। ग्राफ्टिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख लें। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।